हम लोगों ने हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेस की, ठीक है? तो एक बार पूरा ध्यान से सुनो मुझे, इसके बाद हम क्वेश्चन पे फिर से पहुंचेंगे। हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले आवाज सही आ रही? हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने, हमारे पास दो सेट थे, एक था सेट और एक था फील्ड। हम सेट और फील्ड दोनों को कंबिनेशन देखना चाहते, कंबाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे कंबाइंड करना चाहते हैं? सबसे पहले हमने कहा जो सेट है वो प्लस के साथ अबेलियन हो जाए और इस वेक्टर फील्ड के साथ और पांच प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, तो इस एक कंबाइंड स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर नया बना वी एफ, उसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस कहा ओवर द फील्ड एफ। तो सेट को हम वेक्टर स्पेस कहने लगे किसी फील्ड एफ में, तो वेक्टर स्पेस हो गया। जैसे वेक्टर स्पेस हो गया कोई भी सेट, तो हमने कहा अगर कोई मुझे एक स्पेशल ऑपरेशन ना दिया गया, कोई स्पेशल ऑपरेशन गिवन ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हमने उसके बारे में आपसे डिस्कस किया कि अगर कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं गिवन है तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? सिंपल वेक्टर एडिशन दिखाएंगे। वेक्टर एडिशन होता क्या है कि सेट में कोई भी दो मेंबर उठाओ और उनको ऐड करो, और ऐड के बाद जो रिजल्टेंट आए वो रिजल्टेंट भी उसी सेट में जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई। अच्छा, दूसरा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में एक वेक्टर का मेंबर उठाते हैं, एक स्केलर का मेंबर उठाते हैं, दोनों को कंबाइंड करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू यू, फिर से सेट में चला जाए तो कहते हैं दैट इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर हम वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन दोनों को एक साथ लिखना चाहें तो ए यू प्लस बी वी आर ए यू प्लस वी फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी, किसी अनदर सेट के साथ ए यू प्लस बी वी लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाने लगा। जब लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, इसके मतलब अगर लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी सेट का, किसी अनदर सेट के साथ अगर लीनियर कॉम्बिनेशन किया जाता है तो वो सेट में अगर चला जाता है तो उस सेट को हम वेक्टर स्पेस कहने लगा, तो वेक्टर स्पेस फॉर्म हो गया। जैसे वेक्टर स्पेस फॉर्म हुआ तो हमने चाहा कि हम इसके अंदर जाके ये देखें कि इसके एलिमेंट कैसे कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम इनसाइड गए और हमने देखा कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट अगर हमने लिए तो वो सभी एल आई है, लेकिन एक्सेप्ट जीरो, एक एलिमेंट ऐसा था जो एडली था, बाकी सभी एल आई है। लेकिन जब उसको सेट में देखा तो कुछ सेट एल आई हुए, कुछ सेट एडली हुए। हम लोगों ने क्या किया, हम सेट एल आई को आगे बढ़ाए, और अगर कोई एक एल आई सेट पूरे सेट को स्पॉन कर देता है तो लीनियर स्पॉन क्या कहलाया, लीनियर स्पॉन नथिंग स्पेशल, दैट इज अ सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका कोई भी सेट में v1 v2 vn दिए गए हैं, n मेंबर दिए गए हैं, तो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, a u1 या a v1 प्लस a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस डॉट डॉट an bn, जितनी भी a1 a2 an की चॉइसेस हैं उसके साथ जो वेक्टर बने उनका मैंने एक नया सेट बनाया, उसको मैंने लीनियर स्पान कहा उस सेट का। लेकिन देखा यह गया, अच्छा बात, कि जो लीनियर स्पान आया वो सब स्पेस आया। तो जो लीनियर स्पान हमारे पास निकल के आया, अगर कोई सेट किसी भी वेक्टर वेक्टर स्पेस को पूरा स्पान करता हो, मतलब एल एस इज इक्वल टू बी होता हो, केवल मीनिंग का डिफरेंट, हम कभी कह देते हैं कि लीनियर स्पान करता हो पूरे सेट को, उसका मीनिंग यही है कि उसका किसी भी सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सेट बना, जो वेक्टर स्पेस बना, वो वेक्टर स्पेस उसी वी के इक्वल हो। अगर वो वी के इक्वल होता है तो हम लोग कहते हैं कि दैट इज अगर ये सेट लीनियर स्पान करे और एस एल आई वी हो तो इस सेट एस को हम बेसिस कहते हैं, तो वो बेसिस कहलाने लगता है, तो वो बेसिस कहलाता है। अच्छा, जो एल एस से सब स्पेस बना उसके साथ एक और प्रॉब्लम क्या, कि जो भी जितने भी ऐसे वेक्टर स्पेस के दो थ्योरम और मैंने नहीं लिखाई है, वो भी अब हम ध्यान रिपीट करते हैं। अगर किसी भी सेट एस में है और उससे एल एस से एक वेक्टर स्पेस मिला मुझे, हमने कहा एल एस से मुझे कोई भी डब्लू मिला, तो जो डब्लू है वो सभी वेक्टर स्पेस के ऐसे सबसेट जिसमें एस कंटेन करता हो उनका इंटरसेक्शन डब्लू है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर कभी तुमसे ये पूछ दिया जाए कि एल एस वास्तव में क्या है, तो एल एस इज सेट ऑफ ऑल द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ऑफ ऑल सब स्पेसेस दैट कंटेनिंग एस इज कॉल्ड लीनियर स्पॉन। दूसरे फॉर्म में भी ये लीनियर स्पॉन की डेफिनेशन हम देते हैं कि ऐसे सभी सब स्पेस जिनमें एस सबसेट हो, मतलब एस लाई करे,
उनका अगर इंटरसेक्शन किया जाए, यानी ऐसे सभी सबसेट का इंटरसेक्शन किया जाए, तो जो मुझे सब स्पेस मिलेगा वो सब स्पेस हमारा एलियस कहलाता है, लीनियर स्पान कहलाता है। इसके मतलब मुझे डिफिनेशन से क्या पता चला कि इंटरसेक्शन लिया गया इसके मतलब लीनियर स्पान इज द स्मॉलेस्ट सबसेट, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग यस, क्योंकि हम कह रहे हैं डिफिनेशन में क्या w1 w2 wn n सब स्पेस है जिसमें यस कंटेन करता है, मतलब यस सबसेट ऑफ wi है। तो इनका अगर wi का सबका इंटरसेक्शन किया गया तो एक नया सब स्पेस मिला, उस नए सब स्पेस को हम ls कहते हैं। इसके मतलब अगर इंटरसेक्शन हुआ तो सबसे छोटा होगा, इसके मतलब ls इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग s। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ v, नहीं, दिस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ v कंटेनिंग s, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ls जो बनेगा वो ls पूरे वेक्टर स्पेस का सबसे छोटा सब स्पेस होगा, नहीं, हमारी लैंग्वेज है कि वो सबसे छोटा सब स्पेस होगा v का, लेकिन ऐसा सबसे छोटा सब स्पेस जो उसमें यस लाई करेगा। बात समझ में आई? छोटा सब स्पेस वैसे भी जीरो ही होगा, लेकिन एलएस जरूरी तो नहीं कि हमेशा जीरो निकले, जीरो से बड़ा भी सब स्पेस निकलेगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि सबसे छोटा सब स्पेस है बी का, नहीं, है सबसे छोटा सब स्पेस बी का, लेकिन ऐसा छोटा सब स्पेस जिसमें यस लाई करे, पूरा पूरा यस सबसेट होगा, तो एलएस तब भी एलएस हमारे पास वही एलएस होता है जो सब स्पेस की डिफिनेशन है। तो हमने कई डेफिनेशन बताई है, तो आठ डेफिनेशन इसको भी के, अच्छा जब बेसिस हो गया तो हमने बेसिस की भी कई फॉर्म बताए। हमने कहा नहीं, बेसिस हो गया तो सेट एस बेसिस होगा कब, जब वो एलआई होगा और स्पॉन करेगा तो बेसिस कहलाएगा। अच्छा जब स्पॉन कर गया बेसिस हो गया, तो हमने कहा नहीं, अगर कोई भी सेट बेसिस है किसी भी वेक्टर स्पेस वी का, तो उसकी मीनिंग होगी कि सेट, अगर हम किसी भी वेक्टर स्पेस वी का कोई भी मेंबर अगर पिकअप करते हैं तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अच्छा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ये तो बात सेकेंड डेफिनेशन में भी है कि LS is equal to V लिख दिया हमने, तो उसमें क्या लिख दिया मैंने, LS is equal to V। अगर अगले S equal to V लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि हर एक मेंबर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमारी पूरी डेफिनेशन नहीं होती है कि हर एक वेक्टर स्पेस का हर एक मेंबर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए तो बेसिस की पूरी डेफिनेशन नहीं हुई। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि फॉर एवरी स्मॉल बी बिलोंग्स टू वी कैन बी यूनिकली रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेट यस, तो पक्का है कि यस बेसिस होगा। तो हम लोगों ने बेसिस जब देख ली तो हमने कहा बेसिस जो है किसी भी वेक्टर स्पेस की मोर देन वन हो सकती है। यस, हम हमेशा नहीं कह रहे कि मोर देन वन ही होंगी, एक भी हो सकती है, जैसे जीरो मेंबर है, जीरो सेट है, जीरो सेट की बेसिस फाइव है, उस पर चर्चा हुई मेरी, और फाइव जो है यूनिक बेसिस है। हाँ, लेकिन हाँ, एक से ज्यादा भी बेसिस हो सकती है, लेकिन एक चीज सामने देखने को मिली कि मुझे बेसिस जरूर डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन उसमें सेट ऑफ मेंबर जो होंगे, सेट ऑफ एलिमेंट जो होंगे, वो पक्का सेम होंगे। अगर कोई एक बी वन बेसिस है, दूसरी हमारे पास बी टू बेसिस है, तो हमारे लिए जो बीटा वन और बीटा टू अगर दो बेसिस है, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, पेनल्टी होगी, वो सेम ही होगी। तो पेनल्टी हमारी सेम होगी, सेम होगी। तो हमने कहा कि कोई भी बेसिस हो, किसी भी बेसिस में, पर्टिकुलर किसी भी बेसिस में, अगर पेनल्टी जो निकलती है बेसिस की, उसको मैंने एक नया नाम दे दिया, और वो नया नाम कहलाया डायमेंशन ऑफ वी। तो हमने उसको डायमेंशन ऑफ वी कहा। तो डायमेंशन ऑफ वी इज नथिंग बट दिस इज अ पेनल्टी ऑफ बेसिस सेट। तो बेसिस सेट की पेनल्टी होगी, तो उसको डायमेंशन का। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि डायमेंशन हमारे लिए जीरो हो सकती है, तो जीरो सेट की डायमेंशन जीरो होगी, ठीक है। अच्छा, जीरो के अलावा फाइनाइट बेसिस हो सकती है, फाइनाइट बेसिस के कई मैंने एग्जांपल देख लिए अभी तक, कई हमारे पास एग्जांपल आए जिसको मैंने डिस्कस किया और देखा कि हमारे लिए ये मेंबर बेसिस हो जाते हैं। अच्छा, डायमेंशन हो जाती है, जो कि फाइनाइट डायमेंशन आई है, यान करके आई डायमेंशन। लेकिन आज हम एक एग्जांपल लिखने जा रहे हैं जिसमें इनफाइनाइट डायमेंशन बेसिस होगी, इनफाइनाइट डायमेंशन, ओके, जिसमें बेसिस के जो मेंबर होंगे वो इनफाइनाइट टाइप के होंगे। अभी तक फाइनाइट की चर्चा हुई, लास्ट टर्म तक भी फाइनाइट की चर्चा हुई, मैंने सेट ऑफ ऑल एनथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास था उसके सॉल्यूशन का भी जो हमने बेसिस निकाली वो भी एन आई, इसके बाद एन प्लस वन जो पी एन एक्स था, पॉलिनोमियल था, उसकी बेसिस एन प्लस वन आई, एम एन का आशयन मतलब सेट ऑफ ऑल matrices over the real number over the field F m cross n over the real number,
उसकी भी बेसिस से M2N आई, वो भी फाइनाइट बेसिस आई, ठीक है। तो ये हमारी चर्चाएं धीरे धीरे हो चुकी थी। आज हम तुम्हारे सामने एक ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं जो कि वास्तव में इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस टाइप का मेंबर है। इसके मतलब हमारे लिए अल्टीमेट एक चीज देखने को मुझे मिलेगी पूरे चैप्टर में कि बेसिस हमारे पास जीरो से लेके इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जब तक फाइनाइट की बात करेंगे तो हमारे पास फाइनाइट सेट आने चाहिए, फाइनाइट में वेक्टर स्पेस आने चाहिए। तो जितने भी ऐसे ऐसे वेक्टर स्पेस जिनकी फाइनाइट डायमेंशन होती है, ऐसे सेट ऑफ वेक्टर को, ऐसे वेक्टर स्पेस को हम कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हम कहते हैं कि कोई भी वी इज अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। इसके मतलब तुम समझ जाओ कि उसकी बेसिस, उसकी जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है, उसके बेसिस में जो है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करेंगे। अगर हम कहें इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसके मतलब वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। आगे चल के हमारी पूरी स्टडी ज्यादातर क्वेश्चनों में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे ही होगी, इनफाइनाइट पे ज्यादा हमारी चर्चा नहीं होगी, ज्यादा हमारा सिलेबस नहीं है। तो केवल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को ही हम यहाँ पे देख के और पढ़ेंगे। लेकिन हम एग्जाम्पल लिखते हैं दो जो कि इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट।